हुई है, सिर्फ के रशिया में बड़ा ही भगदड़ मचा हुआ है, बहुत लड़ाई चल रही है। तो मतलब मॉस्को के हालात, रशिया के हालात ठीक नहीं है। तो ठीक है, आप देख सकते हो, देखो लोग भी दिख रहे होंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका सुकांजी व्लॉग में। आई नो आप सब ठीक होंगे। और आज मेरी छुट्टी है, आपको पता ही होता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो आज बहुत ठंड हो रखी है, 1 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। और मैं जा रही हूँ सुखी को खाना देने के लिए। रोटियाँ बनाई थी, सब्जी तो उधर ही वो लोग खा लेते, सब्जी नहीं उनको चाहिए होती है, तो रोटी लेकर जा रही हूँ उनको देने के लिए। और दिवाली है परसों, तो और आज धनतेरस है। आज और कल दोनों, दो दिन इस बार धनतेरस पड़ रही है। तो आपको बहुत बहुत बधाई धनतेरस की, हैप्पी धनतेरस। और अभी मैं जा रही हूँ और देख कर आती हूँ वहाँ पे, अगर कुछ दिवाली के लिए अगर मैं कुछ अगर सामान मिलेगा या कपड़े भी देखने हैं, अगर मिलते हैं तो लूँगी। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं वहाँ पे। गाइज अभी अभी बारिश होकर हटी है और अभी भी देखो बादल हुए पड़े हैं। अभी देखो कितना गीला हो रहा है, अभी भी हल्की एक आधी बूंदे पड़ रही है। ये देखो वेदर, सारे पेड़ खाली हो गए हैं। देखो सारे पत्ते कैसे हो गए हैं, ये सारे सूख के। बादल कितने ज्यादा हो रखे हैं, बाप रे। ऐसे मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरी ना एक मेरी फ्रेंड से बात हुई थी इंडिया में, तो वो मुझे बता रही थी क्या ना, इंडिया में ना बड़ी अफवाह सी फैली हुई है, सिर्फ के रशिया में बड़ा ही भगदड़ मचा हुआ है, बहुत लड़ाई चल रही है यूक्रेन रशिया में। तो उसकी वजह से मतलब मॉस्को के हालात, रशिया के हालात ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत फनी लगा, क्योंकि तो मतलब मेरी फ्रेंड यहाँ पे जॉब करती है, तो उसको बोल रहे थे कि यार आपकी फ्रेंड ना, आपकी फ्रेंड रशिया में रहती है, वो कैसे सर्वाइव कर रही है, वहाँ तो बहुत दंगे हो रहे हैं और लड़ाई हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सब लोग अपनी जॉब पे जा रहे हैं। तो मेरी तो बल्कि जो है इवनिंग शिफ्ट होती है, मैं रात को आती हूँ, मिडनाइट में आती हूँ। तो देखो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी जॉब चल रही है, सब अपने काम कर रहे हैं, जो डेली रूटीन होता है सब वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि जो भी है न्यूज़ वाले, तो अपनी TRP बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो मतलब बड़ा चढ़ा के बताते ही, आपको पता ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे, वीज़ा लगवा के सब कुछ ओपन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लड़ाई हो रही है बट यहाँ पे थोड़ी ना हो रही है, वो तो यूक्रेन में चल रही है ना। रशिया में इतना सा भी कुछ मसला नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत ओके। आप देख सकते हैं लोग आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बच्चे, बाकी लोग उसको ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल खुला है बच्चों के। तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब मज़े से यहाँ पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी अफवाहों में ना आए और सब कुछ ओके है, ठीक है जी। तो मुझे बताना ज़रूरी, मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है जो कि सही नहीं है, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो और भी मैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे कि सब कुछ नॉर्मल है, सब बढ़िया एकदम, ठीक है जी। ये देखो गाइस, सारी गाड़ियाँ चल रही है, बसें वसें सब कुछ चालू है, कोई भी ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान करे ऐसा हो भी ना। और वहाँ पे ये जो सब लड़ाई वगैरह जो लगी हुई है, रब करे वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि ये सारी अफवाहें उड़ना बंद हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो लोग भी दिख रहे होंगे आपको, सब अपने काम में लगे हुए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथली अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार इनको फ़ोन कर दूँ, आ जाएंगे नीचे खाना लेने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। ये देखो सब कुछ ओके है ना। तो मैं इधर आ गई हूँ इनके पास। हेलो, अंदर गर्मी होती है गाइस, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं डाला। ये देखो यहाँ पे ऐसे सामान मिलता है। वो मैं कह रही थी
ये मुझे वो बताना, मुझे इधर जाना है मार्केट में, ये वाली दूसरी उस पर नहीं जाना तो पड़ेगा, मुझे बताओ ना उधर अच्छी वाली दुकान, सस्ती कोई भी बढ़िया सी, जैसे कपड़े या कुछ भी, जैसे सी भाई क्या गिरा हुआ था यहाँ पे देखो ना, फिसल गई अभी, सामान लेना बताओ तो आपको पता होगा ना, कोई शॉप जाने वाले तो मैं चली जाऊंगी, तो इनको तो पता है नहीं, यहाँ पे देख लो रहते हो भी, इनको पता नहीं है, मुझे खुद ही जाके ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है आपसे मिलती हूँ, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी ठीक है क्या लूंगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ जाके ठीक है, इससे तो सेम ही शॉप है पर फिर भी मैं ट्राई करके आपको दिखा रखूँ। ये ड्रेसेस है बड़ी प्यारी लग रही है, ये देखिए यहाँ पे ये इंडियन ड्रेसेस हैं, ये तो फट गई है शायद, देखो गाइस देखो ये दुपट्टे का स्टॉल है, और ये यहाँ पे ये है इनका, ये मां सुदर्शन बैद्यनाथ की टैबलेट है, पता करिए जरा। ये सारी सलवारें हैं, ऐसी सलवारें हैं यहाँ पे, ये आप इंडिया में हो क्या, ये देखिए सलवारें हैं, वाह कितना प्रिटी लग रहा है ये, ये सारी स्कर्ट्स हैं, ये पूरा सेट है, गाइस मैं ना ये वाला सूट ले रही हूँ, मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने दीपा को भी दिखाया तो उसको भी ये वाला अच्छा लगा है, तो मैं ये वाला ले रही हूँ ओके दिवाली के लिए। वैसे देखने में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा बट पहन के बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं यही वाला लेने वाली हूँ, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा है, इसके साथ दुपट्टा भी है क्योंकि बाकियों के साथ दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ दुपट्टा है तो, और ये फ्लोरल में है तो फिर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ ठीक है भैया। गाइस लगे हाथ मैंने ये वाले इयररिंग्स ले लिए हैं जो कि मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं, तो मैं ये वाले इयररिंग्स भी ले रही हूँ क्योंकि, और सुखी को पता नहीं है कि मैं ये सब ले रही हूँ, तो मैं ये भी लेकर जा रही हूँ, और मेरा अभी ये वाला हो गया है और उसके बाद अब मैं जाऊँगी, अगर मुझे दिए मिलते हैं तो फिर दिए देखती हूँ ठीक है। यहाँ से नीचे जाती है लिफ्ट, नीचे जाना है ये वाली, तो गाइस देखो यहाँ पे खिलौने भी मिलते हैं, देखो ये सभी खिलौने की मार्केट है, तो मैंने ले लिए ड्रेस और मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को मिल जाएगी, बट हाँ मैंने तो सोचा था सिंपल सी कुर्ती और एक मतलब ये ले लूँगी, बट अच्छा मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं लिफ्ट में हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैं ना अभी घर में हूँ और मैं रंगोली बना रही हूँ धनतेरस के लिए, तो आपको दिखाती हूँ ठीक है कि कैसी बना रही हूँ, रुको ये देखो मैं रंगोली बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना कलर्स नहीं मिले, तो इसलिए मैंने ना ये आटे की और थोड़ी हल्दी की मैं बना रही हूँ रंगोली, तो अब आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ ठीक है, तो ठीक है।
गाइस ये देखो, मैंने ना रंगोली बनाई तो है, पर ना ये शायद अच्छी नहीं बनी है। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे तो ऐसी बनेगी। कुछ मेरे पास सामान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आटे और इसका। और मेरे को हाथ से ठीक से बनाने में दिक्कत होती है, तो देखो मैंने बस ऐसे बनाई है। और ये देखो पैसे भी रख दिए इसमें। तो आई होप आपको ये मेहंदी, ये सॉरी, डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। बट ठीक है, अच्छा है रंगोली, मेरे हिसाब से तो अच्छी है। गाइज मैंने ना ये दिए बनाए हैं आटे के, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी गई थी ना मार्केट, तो दिए मुझे मिले नहीं वहाँ पे, और कैंडल भी नहीं दिखी मुझे। तो इसलिए मैंने आटे के दिए बनाए हैं, ताकि शगन तो होना ही चाहिए, क्योंकि दीप तो चलते ही है ना धनतेरस पे भी। तो इसलिए मैंने ये आटे के बनाए हैं 2 दिए। तो आज के लिए अभी 2 दिए इनफ रहेंगे, तो बाकी दिवाली का देखते हैं। और कल भी शायद धनतेरस ही है, तो फिर कल का भी वैसे ही करना पड़ेगा।